तो गाइस आज हम खान सर के कुछ यूनिक मोटिवेशन वीडियो लेकर आए हैं। देखा है नाकामयाब इंसान शायद आलसी नहीं होता है, लेकिन हर आलसी इंसान नाकामयाब रहता है। उसे कामयाबी कभी मिलती ही नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत लेट मिलती है। उसके लिए इस पर खान सर ने बहुत ही अच्छी बात कही थी। पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम को। जहां आपको कंफर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती है, क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है, उसमें कंफर्ट कभी नहीं मिलता है। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सअप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पर चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी खराबी किसी चीज को कल पे टाल देना। आज टीचर्स ने पढ़ाया, कल रिवाइज करेंगे, आज लिखे कल इसको सॉल्व करेंगे, कल पे कोई नहीं टालना चाहिए। जिसने ये कल किया या हमको ये करना चाहिए उनको तो असफलता फिक्स है, उसने असफलता की दहलीज पे पैर रख दिया। जिसने किया कल, दिन गया टल, जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। जो भी बुलंदी पर जाएगा उसको एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, उसको वापस इस धरती पर आना है। इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे बता देते हैं। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत से चीज़ें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज़्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है, हम लोग के भी लाइफ में बहुत बहुत तकलीफें आई थी। ज़िंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। ज़िंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। APJ अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। देखिए, शिक्षक और सड़क ऐसी चीज है जो खुद तो अपने जगह पे रहती है और दूसरों को मंजिल तक पहुंचाती है। देखिए, जिंदगी में आपसे भी कुछ गलतियां होंगी, और गलती किससे होती है? जो काम करता है, मेहनत करने वालों से ही तो गलतियां होती है। निकम्मों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है दूसरों में कमी ढूंढते ढूंढते। देखिए, सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी,
और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी, इसलिए सफल जरूर होइए। देखिए 97% लोग जो है ना वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। कुछ लोगों को लगता है कि उनके पिताजी बहुत पहुंच वाले हैं, दादाजी बहुत पहुंच वाले हैं, तो उनकी बदौलत हमें कोई काम मिल जाएगा, कोई जॉब मिल जाएगा, तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। जिंदगी चलती रहेगी अपनी यूं ही, लेकिन सबको मुस्कुरा के रहना चाहिए। जब हम मुस्कुराते रहते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है हमारे आसपास में, उससे क्या होता है कि किसी भी विकट परिस्थितियों से लड़ने का एक मौका मिलता है। तो हर इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए, ज्यादा ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हमारा समाज ने तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया था, सोचिए उन्हें वनवास हुआ था तो उनकी क्या ही गलती थी, उतना लंबा वनवास काट के आई, उधर रावण की लंका जली, क्या सोच के आई होंगी अपने गाँव वापस अपने घर पे कि अब हम घर में परिवार के साथ खुशहाली से। लेकिन लोगों ने, जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, सीता मां को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया, तो क्या लगता है ये समाज हमको, आपको या आपके अगल बगल वाले लोग को छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। यहां पे लास्ट में आप सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो गैस आपने खान सर की वीडियो तो देख लिया, अब मैं आपको 30 सेकंड का कुछ जीवन की सच्चाई बताता हूँ। तुम लेट सो रहे हो, लेट जग रहे हो, कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो, ऐसे होंगे सपने पूरे? अपनी जिंदगी के साथ तुम ये कर क्या रहे हो? एक सीजन एक दिन में खत्म करना है, टाइम वेस्ट हो गया फिर रिग्रेट भी करना है, जहाँ हो वहीं रहना है क्या हमेशा तुम्हें? फिर करते रहो स्क्रॉल पूरे दिन, अगर यही करना है। मीडियोकर लाइफ ही जीनी है तो शिकायत क्यों करते हो? पैसे कम रखो फिर अपनी, अगर मेहनत से डरते हो। ना कुछ सीख रहे हो नया तुम, ना कोशिश कर रहे हो नया करने की, पर जितना आता है उसे पकड़ कर बैठ गए हो। आदत हो गई है क्या काम चलाओ जिंदगी जीने की? हमेशा से बैठ बनना था ना, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ना। बहुत मजा आ रहा सोने में, पर फिर भी जागना तो पड़ेगा ना। तो क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए? मौके ढूंढ ही रहे हो या फिर बना भी रहे हो? एक छोटा सा कदम तुम आगे रख कर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब जा रहे हो। तुम बस आलसी हो, नाकाबिल नहीं, एक कोशिश तो करो।